हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी थोड़ा सा मुझे कॉशियस लग रहा है और बैंक निफ्टी 23,150 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि दो दिन से वहीं पर अटक रहा है। सो एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आप लोगों ने इंडेक्स के व्यू में पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि 500-600 पॉइंट का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 23,150 क्रॉस नहीं कर रहा था। और मैंने आपको बोला भी था क्लियरली 23,150 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट भी कर सकते हो। लेट मी नो कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया है कमेंट बॉक्स में, और अब डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। अब आप देख सकते हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब अगर आप देखो मोमेंटम जो था, जो बाइंग मोमेंटम था यहां से लेके 9,000 से लेके 11,000 तक, 9,000 से लेके 11,000 तक अगर आप मोमेंटम देखो, तो अब जो मार्केट का स्पीड है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं बायर्स का कंट्रोल क्या होते जा रहा है, छूटते जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। मैं ज्यादा बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये मत सोचना कि यहाँ से 7,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, वो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक 10,400-10,500 का इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटता तब तक 9,000 आने के चांसेस कम होंगे। बट डेफिनेटली यहाँ से मुझे 300-400 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में लगता है, जो कि 10,800-10,700 तक आ सकता है। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है यहाँ से करीबन 1,500-2,000 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है। अराउंड 21,000 के लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं। आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। बेरिश सेटअप अगर मिलता है तो आपको 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, ऊपर में 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 23,000 क्रॉस कर लेता है बैंक निफ्टी वापस, हमारा जो ये व्यू है ये अवॉइड हो जाएगा और एक फ्रेश अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। सो 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपसाइड में, उसमें आपको ऊपर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। और नीचे में 23,000 के स्टॉप लॉस से आप डेफिनेटली अच्छा शॉर्ट पोजिशंस बना सकते हो। आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर सेटअप, 10,800 पॉसिबल है यहाँ से। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो, मुझे लगता है यहाँ से एक बार 21,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है, हो सकता है 20,000 तक भी आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है देन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से 21,000-20,500 ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ ये थोड़ा पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ, बट इंट्राडे में भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। जब तक 23,000 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, आपको शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रामको सीमेंट बाय दिया था 699 के ऊपर। इसमें जो बाय दिया था वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, तो इसमें आपने कोई ट्रेंड नहीं लिया होगा। जिंदाल स्टील मैंने आपको सेल दिया था 170 के नीचे। इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना, क्योंकि 166 तक आया था, 170 पे मैंने सेल दिया था। और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड जिंदाल स्टील ये दोनों ट्रेड में पैसा कमाया है या नहीं कमाया है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। PVR अगर आप देखो, सेटअप मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। क्यों लग रहा है बेरिश, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बड़ा कैंडल है, राइट? ये बड़े कैंडल के ऊपर प्राइस गया तो सही, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, वापस क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। अब अगर यहाँ से अगर आप देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और राउंड ऑफ नंबर के पास में भी है। मुझे लगता है अगर 1100 के नीचे वापस जाने लगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो PVR काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा मैकडोवल। मैकडोवल अगर आप देखो, मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबल टारगेट्स है। डबल टॉप बना चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, डबल टॉप है और ये लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, दो बार ये लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है अगर ये लेवल, नीचे का लेवल टूटता है, 595-590 के आसपास वो लेवल है, अगर वो टूटता है तो यहाँ तक आ सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, 540-550 तक के लेवल्स पॉसिबल है इसमें। सो इस पर आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, मैकडोवल यूनाइटेड स्पिरिट पे। एंड लास्ट स्टॉक होगा SRT फाइनेंस। SRT फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बड़ा फॉल आया था, करेक्ट? ये पहला रिट्रेसमेंट था, ये पहला रिट्रेसमेंट के बाद फॉल भी आया, लेकिन अगर आप देखो लास्ट का तीन कैंडल, ये जो फॉल था, ये जो कैंडल है, इसका पूरा का पूरा हाई इसने क्रॉस कर दिया। तो यहां से वापस बायर्स ने क्या मोमेंटम पकड़ लिया है। ठीक है, तो
ये जो फॉल आने वाला था, ये जो सेटअप था, ये निगेट हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है बायर्स थोड़ा प्राइसेस यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो एसआरटी फाइनेंस काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अच्छा, दो तीन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप सर नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड क्यों देते हो, बाकी यूट्यूब चैनल वाले तो नहीं देते। तो मैं ट्रेडर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। बाकी यूट्यूब वाले आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोज बना के देंगे, आईपीओ पे बड़ी खबर, वॉरेन बफेट का न्यूज, ये न्यूज, मार्केट इम्पैक्ट कैसे करेगा, अच्छे आपको थंबनेल्स बना के देंगे ताकि आप वीडियोस देखो। वो आपको स्ट्रैटेजीज भी फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। वो आपको इचिमोकू वगैरह, आरएसआई, एमएसडी वगैरह भी फ्री में सिखा देंगे। लेकिन अगर आप उनसे एक एक बार भी नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड मांगोगे, वो आपको ट्रेड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो ट्रेड देने लगे नेक्स्ट डे के लिए तो उनका पोल खुल जाएगा। वो ऐसे लोग हैं जिनको जिनको नॉलेज तो है लेकिन एक्चुअल ट्रेड लेना नहीं आता है। आप समझो, आरएसआई पे वीडियो बनाना बहुत आसान है, कुपे वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली ट्रेड लेके पैसा कमाना अलग बात है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो ट्रेडर होता है वही आपको ये चीजें समझा सकता है, सिखा सकता है। एक यूट्यूबर आपको कभी ये नहीं सिखा सकता कि ट्रेड कैसे लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। एनालिसिस और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।